सरदार पटेल ने किसी भी देवी देवता की पूजा नहीं की, अनीश्वरवादी नहीं थे वो, लेकिन किसी भी देवी देवता की पूजा नहीं की। मेरा चैलेंज है, आप दिखा दीजिए। आरएसएस पे प्रतिबंध लगा दिया, एमएस गोलवलकर और 18,000 आरएसएस के कार्यकर्ताओं को सरदार पटेल ने जेल में डाल दिया। ये रुतबा था सरदार पटेल का। 23 जुलाई 1947 को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को संविधान सभा में सरदार पटेल के सहयोग से लाया गया। सरदार पटेल स्वयं उनके निवास पर जाते हैं, डॉक्टर अम्बेडकर ने अपना इस्तीफा उठा के इनकी तरफ बढ़ा दिया, उन्होंने बिना पढ़े उसको फाड़ करके डस्टबिन में फेंक दिया और सरदार पटेल ने कहा, मैं किसान का बेटा हूं, मैं जानता हूं कि कौन सा पेड़ कितना फल दे सकता है और आपका इस्तीफा मंजूर नहीं। सरदार पटेल ने पत्र लिखा डॉक्टर अम्बेडकर को, वो बड़ा महत्वपूर्ण पत्र है। आप अगर कांग्रेस के साथ रहेंगे तभी जिनका उत्थान चाहते हैं दबे कुचले लोगों का उत्थान हो सकता है, उनको कुछ दे सकते हैं, और कांग्रेस में मैं अंतिम व्यक्ति होऊंगा जो ये चाहूंगा। ब्रजमोहन बिरला उनके बड़े अच्छे मित्र, उन्होंने कहा कि इसे हिंदू राज्य बनाना चाहिए। तब उन्होंने कहा था हिंदू राष्ट्र की परिक्रमा पागलपन है। इस तरीके सरदार पटेल न तो सांप्रदायिक थे न हिंदू मुसलमान जानते थे, राष्ट्र के हित में क्या होगा ये महत्वपूर्ण था। पहली बात जान लीजिए, धर्म व्यक्तिगत आस्था की चीज है, हम क्या मानते हैं ये हमारा विषय है, हमारे ऊपर आप थोप नहीं सकते। आप ईश्वर मानते हैं मानिए, मैं नहीं मानता हूं, मैं नहीं मानूंगा। मैं भगत सिंह के राह पर चलूं, कबीर के राह पर चलूं, बुद्ध के राह पर चलूं या जाके आसाराम बापू के राह पर चलूं, ये मेरा निजी विषय है, वो थोपा नहीं जा सकता। सरदार पटेल का चरित्र बहुआयामी है। निर्देश मुझे विशेष रूप से सरदार पटेल और डॉक्टर अम्बेडकर के संबंधों पर बोलने का है, लेकिन थोड़ा सा और समय लूं, मैं दोहराना नहीं चाहूंगा किन्हीं बातों को। जब बहुआयामी चरित्र है, सरदार पटेल विद्रोही है। दुनिया में आज तक जो भी हुआ है किसी विद्रोही ने किया है। अगर बुद्ध विद्रोही हुए तो दिखाई पड़े, कबीर विद्रोही हुए तो दिखाई पड़े, रामस्वरूप वर्मा विद्रोही हुए तो दिखाई पड़े, डॉक्टर अम्बेडकर हो, सरदार पटेल हो, जो भी विद्रोह किया, जिसने समाज के आंसू को अपनी आंखों से रोया वो पहचाना गया, वो विद्रोही हुआ। जिसने अपने लिए रोया तो अपने लिए तो सब लोग रोते हैं, उनको कोई नहीं गिनता। किसी साथी ने बताया था कि 260 रुपए निकला, मैं तो 4-5 बार गुजरात गया हूं, उनसे जुड़े हर स्थलों पर जाकर के शोध करने का काम किया है। सरदार पटेल पे 7 पुस्तकें अब तक हमारी आई। मित्रों, मैं 3 बातों पे ध्यान दिलाना चाहता हूं आपका। एक तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और सरदार पटेल के संबंधों पर हमेशा यह प्रचारित किया जा रहा है कि सरदार पटेल डॉक्टर अम्बेडकर के विरोधी थे, और 2 बातें कही जा रही हैं। एक तो उन्हें आरक्षण का विरोधी बताया जा रहा है, दूसरा कहा जा रहा है सरदार पटेल ने ही डॉक्टर अम्बेडकर को हरवा दिया। 1942 में क्रिप्स योजना की बात आई, उसको कांग्रेस के लोगों ने नकारने का काम किया। उसी समय सत्ता बदली इंग्लैंड में। भारत को जब भी कुछ मिला है, जब मजदूर दल की सरकार इंग्लैंड में रही है तब मिला है। साइमन कमीशन के टाइम पर जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में विवाद पैदा हुआ, वो भी मजदूर दल की सरकार की तब मिला था। तो 1945 में सरकार बदल गई, चर्चिल की पार्टी विपक्ष में चली गई और क्लीमेट और एटली मजदूर दल का नेता वहां का प्रधानमंत्री बना। और प्रधानमंत्री बनते ही 26 जुलाई 1945 को उसने घोषित कर दिया कि हम भारत को जल्दी ही आज़ादी देने वाले। उसी बात को यहाँ लॉर्ड वेवेल ने घोषित किया, उस समय यहाँ का गवर्नर जनरल वो था। इसके बाद में लॉर्ड पैथिक, स्टुअर्ट क्रिफ्ट और ए वी अलेक्जेंडर, इन 3 लोगों के नेतृत्व में कैबिनेट मिशन आया। उसके पहले प्रांतीय धारा सभाओं के चुनाव हुए थे, जिसमें डॉक्टर अम्बेडकर की पार्टी बुरी तरीके से हार गई थी। वो चुनाव को सरदार पटेल जी ही मैनेज कर रहे थे, संसदीय दल के यही नेता थे, चुनाव समिति के नेता थे। सरदार पटेल चाहते थे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो संगठन समझौता हो जाए। गांधी जी का वैचारिक विरोध था, गांधी जी नहीं चाहते थे। इस पे पत्र व्यवहार भी है गांधी जी और सरदार पटेल का। उन स्थितियों में जब समझौता नहीं हो पाया, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने समझौता नहीं किया, तो कांग्रेस लड़ी, डॉक्टर अम्बेडकर चुनाव हार गए। इसके बाद नोआखाली, जयसोर, खुलना, फरीदपुर, बोरीशाल, इन 4 क्षेत्रों को बना करके जो क्षेत्र था, असल में संविधान सभा जो बनी उसमें कई तरीके से आए लोग।
प्रांतीय उससे आए, जैसे आज MLC और राज्यसभा होता है इससे फिर चुन करके आए, देसी रियासतों के प्रतिनिधि चुन करके आए, अल्पसंख्यक कमेटियां बनी उससे चुन करके आए, अलग अलग तरीके से लोग चुन करके संविधान सभा में आए थे जो 389 लोगों की उस समय थी। तो जोगेंद्रनाथ मंडल और मुस्लिम लीग के सदस्यों के सहयोग से प्रतिनिधि के रूप में नोआखाली से चुन करके बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 20 जुलाई 1946 को फिर संविधान सभा में आ गए। और जैसे आ गए कांग्रेस का चूंकि विरोध था इनका, कांग्रेस ने तय कर लिया कि इस क्षेत्र को हम पूर्वी पाकिस्तान में दे दें, यानी संविधान सभा की सदस्यता उनकी फिर जाने लगी। ऐसी स्थिति में डॉक्टर अम्बेडकर भाग कर जाते हैं लंदन, लंदन में पार्लियामेंट में भी स्पीच भी देते हैं, चर्चिल से भी बात करते हैं। चर्चिल ने कहा मैं आपका अच्छा मित्र हूं लेकिन आपका कोई सहयोग नहीं कर सकता क्योंकि मैं विपक्ष में हूं, हमारी सरकार नहीं। और उसने इंगित किया कि भारत में ये कहीं व्यक्ति है, सरदार पटेल की ओर इंगित किया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आते हैं, सरदार पटेल और इनके बीच जो भी बात होती है, सरदार पटेल ने MR जयकर का इस्तीफा करवाया और इस्तीफा करवाने वाली सीट से डॉक्टर अम्बेडकर को चुनाव लड़वाया। उस समय संविधान सभा के अध्यक्ष थे बाबू राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद जी से 30 जून 1947 को पत्र लिखवाया मिस्टर बीजी खेर, जो उस समय बंबई प्रांत के प्रधानमंत्री थे, मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था, उनको लिखवाया कि इन्हें निर्विरोध चुनवाना है। स्वयं भी पत्र लिखा और बीजी मावलंकर जो नामांकन करना चाहते थे, कांग्रेस के बड़े नेता थे, उनको स्वयं पत्र लिखा कि एक ही सीट है, यहां से डॉक्टर अम्बेडकर को चुनवा करके लाना है, संविधान सभा में लाना है और आपको फिर मौका दिया जाएगा। इस तरीके से निर्विरोध चुनवा करके 23 जुलाई 1947 को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को संविधान सभा में सरदार पटेल के सहयोग से लाया गया। धनंजय कीर जैसे सम्मानित लेखक जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पर किताब लिखी थी, ब्राह्मण समुदाय से थे, बहुत अच्छी किताब लिखी उन्होंने, ज्योतिबा फूले पर, साहू जी पर, अंग्रेजी में बड़ी बड़ी किताबें हैं, उसी में उन्होंने लिखा कि सरदार पटेल, आचार्य डोडे और SK पाटिल जो बंबई के अध्यक्ष थे कांग्रेस के, और नेहरू, इन लोगों के सम्मिलित सहयोग से डॉक्टर अम्बेडकर फिर चुन करके संविधान सभा में आए। और डॉक्टर अम्बेडकर फिर 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी बनी जिसके 7 लोग मेंबर थे, आयंकर, BL मित्रा, DP खेतन, सैयद सादुल्ला, KM मुंशी, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। 30 अगस्त को चेयरमैन बनाए गए और ड्राफ्टिंग का काम शुरू हुआ, कानून मंत्री बनाए गए। ये सरदार पटेल का सबसे बड़ा योगदान है। मधुलिमेह जैसे समाजवादी ने जो किताब लिखी है उसका मैंने उल्लेख किया है। डॉक्टर जकारिया एक बहुत अच्छे लेखक हैं, स्वयं मुसलमान हैं, उन्होंने बहुत अच्छा लिखा सरदार पटेल के बारे में। बहुत सारी किताबें आप अध्ययन करेंगे तो देखेंगे सरदार पटेल किस तरीके से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को लाए। रहा आरक्षण की बात, मिस्टर गाडगिल ने डॉक्टर अम्बेडकर से कहा कि सरदार पटेल तो आरक्षण के पक्ष में नहीं है। डॉक्टर अम्बेडकर ने सरदार पटेल से बात नहीं किया, नाराज होकर घर पे बैठ गए, संविधान सभा में जाना बंद कर दिया। सरदार पटेल का व्यक्तित्व उस समय बहुत बड़ा था, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हमारे लिए महान है, लेकिन उस समय सरदार पटेल का जो व्यक्तित्व था दूसरे किसी का नहीं था। उन स्थितियों में सरदार पटेल स्वयं उनके निवास पर जाते हैं, डॉक्टर अम्बेडकर ने अपना इस्तीफा उठा के इनकी तरफ बढ़ा दिया, उन्होंने बिना पढ़े उसको फाड़ करके डस्टबिन में फेंक दिया और सरदार पटेल ने कहा मैं किसान का बेटा हूं, मैं जानता हूं कि कौन सा पेड़ कितना फल दे सकता है और आपका इस्तीफा मंजूर नहीं हो। और आरक्षण पर चर्चा चली। जो लोग कहते हैं कि आरक्षण की बात कि वो विरोधी थे, मैं उदाहरण देना चाहता हूं, रिटर्न में है, जिस समय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान सभा में पहुंचे ही नहीं थे, ड्राफ्टिंग कमेटी बनी ही नहीं थी और सरदार पटेल अल्पसंख्यक और मौलिक अधिकार समिति के चेयरमैन थे, 23 अप्रैल 1947 को उन्होंने एक मेमोरेंडम लिखा संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, जिसकी धारा 5 में कामे था कि अब हम सब लोग समान हो गए हैं, खामे था वर्ण, वर्ग, जाति, क्षेत्र, भाषा, लिंग, इसका कोई भेद नहीं रह गया, सबको बराबर का अधिकार मिल जाएगा, लेकिन यदि कोई राज्य ये चाहता है कि उसके राज्य क्षेत्र में किसी जाति या किसी वर्ग का हक मारा गया है उसे विशेष सुविधा देना चाहता है तो ये बाधित नहीं होगा। फिर 8 अगस्त 1947 को इसका पूरक प्रस्ताव उन्होंने भेजा, पूरक प्रस्ताव में स्पष्ट लिखा कि हम सिफारिश करते हैं कि हम एक ऐसा आयोग बनाएंगे जो सामाजिक रूप से और शैक्षिक रूप से पिछाड़े गए लोग, पिछाड़ी गई जातियों के उन कष्टों के बारे में जिन कार्यों को करते हुए उन्होंने झेला है उसका अध्ययन करेगा और यह सिफारिश करेगा कि उन्हें कितना आर्थिक सहयोग दिया जाए और किस रूप में दिया जाए। धारा 340 इसी आधार पर बनी हुई है। उस समय बैकवर्ड की कमेटी नहीं बनी थी, बैकवर्ड की जातियां चिन्हित नहीं थी, लेकिन सरदार पटेल ने उस समय किया था। इस तरीके से सरदार पटेल
कभी आरक्षण के विरोधी नहीं थे, मैं इसको कहना चाहता हूं। संविधान सभा में सरदार पटेल ने छुआछूत के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया और पास करवाया कि दंडनीय अपराध है 29 अप्रैल 1947 को। उस समय आजादी पूरी तरीके से घोषित नहीं हुई थी, अंतरिम सरकार चल रही, तब यह पास कराया। सरदार पटेल ने अपराधी घोषित जातियों के फ्री मुकदमे लड़े, अनुसूचित जातियों के फ्री मुकदमे लड़े, छुआछूत के खिलाफ आंदोलन चलाया। और हमारे किसी साथी ने भी कहा था सरदार की उपाधि, सरदार पटेल को उपाधि वहां की महिलाओं ने दिया था। जब बारडोली आंदोलन जीते, बारडोली से 8 किलोमीटर पर एक गांव है, वहां की एक महिला थी भीखी बेन, मैं घर गया हूं, उनके यहां रोटी खाई है। भीखी बेन पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उन्होंने कहा कि आप हमारे समाज के सरदार हैं, आपने हम लोगों की नाक रख ली, हम ये सरदारी आपकी वजह से है, इसलिए आज से आप हमारे सरदार हैं। सरदार की उपाधि यहां से थी। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को उस बिंदु पर, और जब इस्तीफा देना चाहा डॉक्टर अम्बेडकर ने 25 अप्रैल 1948 को, लखनऊ में एक सभा चल रही थी जिसमें पंडित गोविंद वल्लभ पंत भी थे, इसका बड़ा लोग उल्लेख करते हैं, और खास करके हमारे दलित समाज के साथी, हम लोगों ने भी उल्लेख किया है मंचों पर कि जब वो बोले कि अगर तुम एक हो जाओ दलित और पिछड़ों तो तुम्हारे जूते का फीता, इस तरीके से लोग बोलते। बाबा साहब ने जो भी बोला, जो भी जी बी पंत को बुरा लगा, जी बी पंत ने 26 अप्रैल को नेहरू को पत्र लिखा, नेहरू ने तुरंत सरदार पटेल को पत्र लिखा, सरदार पटेल ने जो ये नेहरू का पत्र जब अंबेडकर को पहुंचा, अंबेडकर ने लिखा कि अगर मेरे बात से किसी को विरोध है, दुख पहुंचा है, तो मैं इस्तीफा देने को तैयार। सरदार पटेल को जैसे जानकारी हुई, सरदार पटेल ने पत्र लिखा डॉक्टर अंबेडकर को, वो बड़ा महत्वपूर्ण पत्र है, उसको आप पढ़ेंगे, उसमें उन्होंने उल्लेख किया कि कम से कम आप अगर कांग्रेस के साथ रहेंगे तभी जिनका उत्थान चाहते हैं, दबे कुचले लोगों का उत्थान हो सकता है, उनको कुछ दे सकते हैं, और कांग्रेस में मैं अंतिम व्यक्ति होऊंगा जो ये चाहूंगा आप इस्तीफा दें। इस तरीके से सरदार पटेल चाहते थे। और सरदार पटेल जब नहीं रहे तो हिंदू कोड बिल पे क्या स्थिति आई आप जानते हैं। मित्रों, हमारे किसी साथी ने उल्लेख किया था, बी एम बिड़ला ने जब संविधान लागू नहीं हुआ था, ब्रजमोहन बिड़ला उनके बड़े अच्छे मित्र थे, उन्होंने कहा कि इसे हिंदू राज्य बनाना चाहिए, तब उन्होंने कहा था हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना पागलपन है। और जिस समय गांधी जी की हत्या हुई, उसके बाद सरदार पटेल पे आरोप लगाया लोगों ने, परिस्थितियों में उन्होंने मन बना लिया कि इस्तीफा दे देंगे। मणिबेन बहुत होशियार थी और मणिबेन ने सरदार पटेल को आगे ले जाने के लिए अपनी शादी तक नहीं की। उनका बड़ा त्यागमय इतिहास है जिसकी चर्चा नहीं होती, शायद ऐसी महिला पूरे इतिहास में नहीं मिलेगी जैसी मणिबेन मिली। मित्रों, उन स्थितियों में उनका इस्तीफा मणिबेन ने नहीं जाने दिया, सरदार पटेल ने 4 फरवरी को आरएसएस में प्रतिबंध लगा दिया। और दिल्ली में आरएसएस के सबसे प्रमुख व्यक्ति थे, हेडगवार ने भले ही इसकी स्थापना की हो, एमएस गोलवलकर उनके सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं, जिनको कहते हैं गुरुजी, जिनकी किताब उनके लिए गाइडलाइन है, एमएस गोलवलकर और 18,000 आरएसएस के कार्यकर्ताओं को सरदार पटेल ने जेल में डाल दिया। यह रुतबा था सरदार पटेल का। सरदार पटेल न सांप्रदायिक थे न किसी धर्म के थे। और जो लोग कहते हैं कि उन्होंने सोमनाथ का उद्धार किया, सोमनाथ पर जब गए, सोमनाथ का खड़हार क्या कह रहा था, वहां मंदिर मस्जिद का विवाद नहीं था, सोमनाथ का खड़हार कह रहा था कि इस देश के पंडे पुजारियों ने इस देश के मेहनत के लोगों की कमाई को खा करके और अयासी में उड़ाया है। सोमनाथ की यह कहानी कह रही थी, कि यहाँ के राजपूत एक दूसरे का राज बढ़ाने में, महिलाओं को छीनने में, अयासी में डूबे होते, वो कहानी कह रही थी। और वहां के किसान मजदूर की बेबसी कह रही थी कि इस तरीके से हमारे लोगों का खून पसीना बहाया गया। तब सरदार पटेल ने निर्णय लिया था, उसमें मुसलमानों का भी चंदा आया था जो सोमनाथ का मंदिर बना, यह आपको जानकारी होनी चाहिए। लेकिन जब नंदी की प्रतिमा का लगना था, सरदार पटेल को बुलाया गया कि आप स्थापित करेंगे, सरदार पटेल नहीं गए और उसमें बाबू राजेंद्र प्रसाद जी को भेजा। सरदार पटेल ने किसी भी देवी देवता की पूजा नहीं की, अनीश्वरवादी नहीं थे वो, लेकिन किसी भी देवी देवता की पूजा नहीं की। मेरा चैलेंज है, आप दिखा दीजिए, एक फोटो मिलेगा उनका, कहाँ मिलेगा, कन्याकुमारी का जो मंदिर है
उसमें जो लोग जाते हैं कपड़े उतार के जाते हैं, तब पूरा मंत्रिमंडल था, उसमें दलित जात के भी लोग थे जिनको आज घुसने नहीं दे रहे हैं, उनके साथ एक फोटो मिलेगी, कपड़े उतारे बाहर, लेकिन पूजा वहां भी नहीं की उन्होंने। सरदार पटेल ने कभी कोई पूजा नहीं की, उनके पिताजी वही मंदिर में, वो मंदिर हम देख के आए हैं जिसमें जाके रहते थे, वही मर गए, लेकिन सरदार पटेल उस मंदिर में नहीं गए, पुराने घर के सामने उनका है। मित्रों, इस तरीके सरदार पटेल न तो सांप्रदायिक थे, न हिंदू मुसलमान जानते थे, राष्ट्र के हित में क्या होगा यह महत्वपूर्ण था। जो व्यक्ति उनको, लोहिया ने नेहरू को पसंद किया, लेकिन बाद में लोहिया ने कहा कि हमसे सबसे बड़ी भूल हुई, और सरदार पटेल से ज्यादा बड़ा समाजवादी कोई था नहीं। सरदार पटेल के पास दो कुर्ते से ज्यादा कभी नहीं रहा, दो धोती से ज्यादा कुछ नहीं रहा, एक छाता था, डंडी टूट गई थी वही रह गई, आज भी वो रखा हुआ म्यूजियम में। वो सरदार पटेल, किसी ने बताया था 260 रुपया निकला, जिसने 10,000 के वकालत छोड़ी हो प्रति सप्ताह की, अपना घर नहीं बनाया, अपनी गाड़ी नहीं ली, उप प्रधानमंत्री होते हुए भी, गृह मंत्री होते हुए भी, और ऐसा उप प्रधानमंत्री जो प्रधानमंत्री भी भारी पड़ता हो, उस आदमी ने अपना घर नहीं बनाया, अपने बच्चों को डाहिया भाई दिल्ली आ गए, एक मामले में नाम आया, कहा अगर तुम्हें आना है तो मैं दिल्ली छोड़ दे रहा हूं। ऐसे व्यक्तित्व तो सरदार पटेल थे। लेकिन जब 12 दिसंबर 1950 को उन्हें बंबई ले जाया जा रहा था दवा के लिए, तब वो कोषाध्यक्ष भी थे सरदार पटेल, मृत्यु मरते दम तक कोषाध्यक्ष थे, अपनी बेटी से कहा, मणिबेन से, बेटी आज मैं जा रहा हूं, अगर जिंदा न लौटू, यही शब्द थे, अगर जिंदा न लौटू तो यह संदूक है, आज का भी हिसाब लिख लेना, और इसकी चाबी नेहरू को दे देना, किसके सामने देना, अकेले मत देना, राजेंद्र प्रसाद और प्रताप सीतारमैया के सामने देना। उनकी मृत्यु के बाद 4 दिन बाद जब वो संदूक दी गई और खोला गया तो 28 लाख रुपए से ज्यादा थे उसमें, जिस व्यक्ति ने दो कुर्ते से ज्यादा नहीं बनाया, और उनकी बेटी ने तो जो पुराने कपड़े हो जाते थे, वो कौन सा कुर्ता होता था, उनकी बेटी सूत काटती थी, उससे जो पैसा आता था उससे खरीदे गए कपड़े वो पहनते थे, और जब वो पुराने हो जाते थे, मणिबेन उससे काटकर अपने लिए प्यौदा लगा हुआ जिसको आज कोई नहीं पहनता है, उससे अपने लिए ब्लाउज बनाती थी, उसे पहनती थी, ऐसे महान लोग ये थे। और उनके नाम पर हम आज सांप्रदायिकता, उनके नाम पे भगवा रंग लेकर के उनको हिंदू मुसलमान में रंगने का काम कर रहे हैं, उनको छूत अछूत में रंगने का काम रहे, हमें शर्म आनी चाहिए जो लोग ऐसा कहते हैं। इसलिए सरदार पटेल को समझने की जरूरत है, सरदार पटेल का किरदार बहुत बड़ा है, उनमें शिवाजी का किरदार है, उनमें भगत सिंह वाली बात है। इन बारडोली आंदोलन में गांधी जी को भी रोक दिया था, वो आंख मूंद करके गांधी के सहयोग नहीं करते थे, गांधी के विचारों को मानते थे लेकिन आंख मूंद करके उनके अनुयायी नहीं थे, ऐसे सरदार पटेल थे। सरदार पटेल का बहुआयामी चरित्र है, उन पर अगर 8 घंटे भी बोला जाए तो कम है मित्रों, बहुत कुछ उनके उसमें है। इसलिए अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ, धन्यवाद देते हुए, जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र, इसी से काम चलेगा, बाकी भाड़े के लोगों से काम नहीं चलेगा।